दोस्तों, अगर आपने प्लेन का सफर किया है तो आप जानते होंगे कि टेक ऑफ और लैंडिंग के वक्त जहाज के पायलट को बहुत होशियार रहना पड़ता है, क्योंकि यही दो वक्त काफी खतरनाक होते हैं और दुनिया के 70% प्लेन हादसे टेक ऑफ और लैंडिंग के वक्त ही होते हैं। ऐसे वक्त में पायलट की महारत काम आती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको दुनिया के कुछ काबिल पायलट्स के बारे में बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये दिलचस्प वीडियो। नंबर एक, दोस्तों, जहाज कितना भी बड़ा हो और इसका इंजन कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, तेज हवाओं का सामना करना इतना आसान काम नहीं है। ऐसे मौसम में पायलट का सही इम्तिहान होता है। दोस्तों, ये वीडियो एक काबिल पायलट का है जो कि टेक ऑफ और लैंडिंग के वक्त तेज हवाओं का सामना कर रहा है। हवाएं इतनी तेज हैं कि जहाज को रनवे पर उतरने नहीं दे रही हैं, लेकिन पायलट ने ऐसे मौसम में भी सेफ लैंडिंग करके कमाल कर दिया। नंबर दो, दोस्तों, ये वीडियो अमीरात एयरलाइंस 8380 का है। इस वीडियो में ये प्लेन लैंडिंग के वक्त हवा की वजह से जिगजैग होने लगा। हवा ने जहाज को लगभग फ्लिप ही कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद पायलट ने इसे कंट्रोल कर लिया। जरा देखिए इस पायलट की काबिलियत, वाह कमाल है भाई। नंबर तीन, दोस्तों, ये बोइंग 676 जहाज है। जब ये प्राग एयरपोर्ट पर लैंड कर रहा था तो तेज हवा के चलते ये जहाज क्रैश होने वाला था। पायलट ने दो बार जहाज को जमीन पर उतारने की कोशिश की, लेकिन हवा इसे ऊपर उड़ा देती थी। लेकिन इस पायलट के कंट्रोल की वजह से जहाज सही सलामत लैंड हो गया। नंबर चार, दोस्तों, 18 जनवरी 2018 को जर्मनी में तेज हवाओं का सिलसिला चल रहा था, जिसमें हवाओं की रफ्तार 140 किलोमीटर प्रति घंटा पहुंच गई थी और इसी वजह से सभी एयरपोर्ट्स को बंद कर दिया गया था। हवाओं की यह स्पीड हद से ज्यादा तेज थी। इस दौरान एक बॉम्बार्डियर Q400 फ्लाइट जर्मनी के एयरपोर्ट पर लैंड करने की कोशिश कर रही थी। आप वीडियो में देख सकते हैं कि हवा जहाज को कैसे झुला रही है, लेकिन इस जहाज को भी सेफ लैंड करा दिया गया था। दोस्तों, इस कमाल के पायलट के लिए एक लाइक तो बनता है। नंबर पांच, दोस्तों, ये एक प्राइवेट प्लेन है। इसका पायलट एरियल फ्लाइट के लिए ऊपर उड़ा। कुछ देर बाद इसे मालूम हुआ कि प्लेन का व्हीलिंग सिस्टम खराब हो गया है और इस प्लेन को लैंड कराते वक्त इसके व्हील ओपन नहीं होंगे, लेकिन इस माहिर पायलट ने प्लेन को ऐसे लैंड करवाया जैसे कुछ हुआ ही नहीं है और बाहर निकलकर रिलैक्स होकर इसका जायजा लेने लगा। ये वाकई बड़ा ही माहिर पायलट था। नंबर छह, दोस्तों, फ्लाइट को लैंड करवाते वक्त इसके टायर का सही होना बहुत जरूरी है, लेकिन इस जहाज के साथ कुछ अलग ही हुआ। जब ये जहाज लैंड हो रहा था तो इसके लेफ्ट साइड का व्हील फट गया। खुशकिस्मती से इस जहाज के पायलट ने इसे कंट्रोल कर लिया और ये मिट्टी में जाकर फंस गया। इस हादसे में किसी को भी चोट नहीं लगी। इतने लोगों को सुरक्षित बचाने के लिए इस पायलट को दिल से सलाम। नंबर सात, दोस्तों, नवंबर 2011 में पोलिश एयरलाइंस कंपनी के एक जहाज बोइंग 767 के लैंड करने के दौरान व्हील्स खुले ही नहीं। इसका सेंट्रल हाइड्रोलिक सिस्टम पूरे तरीके से फेल हो गया था, जिसकी वजह से एक भी व्हील बाहर नहीं निकल पाया। इसी वजह से पायलट को इसकी बॉडी डायरेक्ट जमीन पर उतारनी पड़ी। पायलट को जब इस बात का एहसास हुआ तो उसने जहाज को ज्यादा देर तक उड़ाकर इसका फ्यूल खत्म कर दिया ताकि जहाज में आग न लगे। इसके लिए वो एक घंटे तक एयरपोर्ट के इर्द गिर्द ही उड़ते रहे। एविएशन कंट्रोल को इसकी खबर दी गई, लेकिन इसका कोई हल नहीं था। लेकिन इस एयरप्लेन के माहिर पायलट ने इसे बिल्कुल सेफ लैंड करवा दिया और इसमें मौजूद 220 पैसेंजर्स में से एक भी जख्मी नहीं हुआ। दोस्तों, क्या आपने हवाई जहाज में सफर किया है?
जरा कमेंट बॉक्स में बताइए। नंबर 8, दोस्तों 2005 में जेट ब्लू A320 न्यूयॉर्क से टेक ऑफ हुआ, लेकिन उड़ने के चंद मिनट बाद ही पायलट को पता चल गया कि इसका फ्रंट व्हील खराब हो चुका है। इन्होंने इस प्लेन को लॉस एंजलिस में उतारने का फैसला किया। इन्होंने 2 घंटे प्लेन को लगातार ऊपर उड़ाए रखा ताकि फ्यूल खत्म हो जाए और आग न लगे। आखिर में इन्होंने 222 किलोमीटर की स्पीड पर जहाज को लैंड किया। पायलट ने पूरी कोशिश की कि इसका अगला व्हील जमीन से टच ना हो। इसके लिए इन्होंने इसके अगले सिरे को ऊपर उठा कर रखा, लेकिन आखिरकार व्हील जमीन पर टच हो गया और उसका टायर ब्लास्ट हो गया। लेकिन टायर ब्लास्ट होने के बावजूद भी ये जहाज सेफली लैंड हो गया और 140 मुसाफिर बिल्कुल सेफ रहे। दोस्तों, ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए उस रेड कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि आप आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना करें। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।